नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी का ही है, इसमें दो क्वेश्चंस अभी भी उसको सॉल्व करना बाकी है। ये दो क्वेश्चंस है भी काफी इंटरेस्टिंग, इसलिए इस क्वेश्चंस को, ये जो दो क्वेश्चंस है इसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। किसी फ्लोर को टाइल से पैक करवाना है, टाइलिंग करवाना है, तो जो ये टाइल्स इस प्रकार से है, 24 सेंटीमीटर बेस है और इसका हाइट, ये जो हाइट दिया हुआ है यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 10 cm है। जिस फ्लोर को टाइल करना है उसका एरिया दिया हुआ है, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो फ्लोर है वो इस प्रकार से है, किसी भी शेप में है, ये पता नहीं है कि किस शेप में है, किसी भी शेप में फ्लोर को मान लेते हैं, लेकिन उसका एरिया, ये एरिया दिया हुआ है हमको 1080 मीटर स्क्वायर। हमको फाइंड करना है ऐसा कितना टाइल्स की हमको आवश्यकता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसके एरिया में जो कि गिवन है, एरिया ऑफ द फ्लोर गिवन है, उसके एरिया में, एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल का एरिया अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स हमको फाइंड हो जाता है। तो हम चलते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 1080 मीटर स्क्वायर, और ये पैरेललोग्राम शेप में है तो इसका एरिया हो जाएगा बेस इनटू हाइट, लेकिन ये इसका यूनिट अंतर कर रहा है तो इसके सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, तो बेस इनटू हाइट में ये आ जाएगा, बेस है 24 इंटू हाइट है 10, ये सेंटीमीटर में था तो बाय 100 कर दिए तो ये भी दोनों मीटर स्क्वायर में आ गया, दोनों मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये सॉल्व कर लेते हैं, 10 × 80 100 × 100 बाय हो गया 24 इंटू 10, एक जीरो कैंसिल कर लिए, 12 × 2 = 9, 9/2 ये आ जाएगा 4.5 × 1, 2, 3, 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000 टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इज 45,000। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, एन एंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये डिफरेंट शेप्स है फूड का, खाया हुआ जो टुकड़ा होगा उसका ये डिफरेंट शेप है, फॉर व्हिच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड, कौन सा फूड पीस ऐसा है इस तीनों में से जिसमें एंट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये केस नंबर 1, फिगर नंबर 1 में ये एक सेमी सर्किल है और ये इसका डायमीटर है, तो हम लोग इसका पेरीमीटर निकालेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक सेमी सर्किल है ये वाला, और ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये डिस्टेंस हम ऐड कर देंगे इसके सर्कमफेरेंस में तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। उसके बाद
फुट पीस थर्ड में हम देख रहे हैं कि ये एक सेमी सर्किल है और ये दो लाइंस है जिसका कि लेंथ हमको दिया हुआ है और इस सेमी सर्किल का डायमीटर 2.8 गिवन है। तो हम लोग तीनों फुट पीसेस का जो आकार है उसका पेरिमीटर फाइंड करते हैं। और पेरिमीटर ऑफ पीस वन, हम लोग इसको वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेंगे और इसको थ्री मान लेते हैं। तो फूड पीस वन का पेरिमीटर क्या होगा? ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस यानी कि ये हो गया पाई इंटू आर और प्लस ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये डायमीटर ऐड कर देंगे यानी टू आर इज इक्वल टू 22/7। आर का वैल्यू 2.8 है तो इसका हाफ हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.4। इसको कैंसिल कर सकते हैं बाय 10, 2 से ये कैंसिल और ये हो गया 44/10 4.4 प्लस 2.8 इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एंड ट्रेवल किया फर्स्ट पीस में। सेकंड के लिए हम लोग देखते हैं पेरिमीटर ऑफ पीस टू इज इक्वल टू ये लेंथ 1.5 दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर प्लस ये यहां से यहां तक लेंथ ये 2.8 दिया हुआ है और प्लस ये वाला लेंथ ये 1.5 है प्लस ये सर्कल का सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी कि पाई इंटू और इंटू 1.4 इसको कैंसिल कर देते हैं 0.7 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस 7 to 14, 1, 7 to 14, 1, 15, 15.4 ऐड कर लेते हैं 4, 5, 9, 9, 8, 17, 17, 5, 22, 2, 2, 5 to 7, 7, 1, 8, 8 to 10, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 2, 2, 21.2 सेंटीमीटर सेकेंड पीस का पेरिमीटर हुआ। अब हम लोग निकालते हैं थर्ड पीस का राउंड करने में एंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो पेरिमीटर ऑफ पीस थ्री यहां से इसका ये लेंथ 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 2 लिखते हैं प्लस ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो 2 लिखेंगे प्लस ये सेमी सर्किल है ये पाई इंटू आर ही होगा पाई 22/7 इंटू आर इसका डायमीटर दिया हुआ है 2.8 तो इसका रेडियस हो जाएगा 1.4 by 10 इसको कैंसिल कर सकते हैं अब ये आ गया 2 to 4 प्लस 44/10 4.4 इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा फूड के अराउंड जाने में एंट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो सबसे फर्स्ट में 7.2 सेकंड में 21.2 और थर्ड में 8.4 है यानी कि सेकेंड राउंड में एंट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा पीस नंबर टू के अराउंड उसको कवर करने में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। ये था आपका एक्सरसाइज 11.1। सारे क्वेश्चंस को मैंने बतलाया है आप उसको रिवाइज करें।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।